छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कहा, आज हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पीएम के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद आदिवासियों के उत्थान के लिए कई काम किए गए हैं। आजादी के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली आदिवासी नेता बनी। आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी दिशा में सोच रही है। निकाय पंचायती चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। राज्य सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है जो सुझावों पर विचार करके तय करेगी। वक्त संशोधन विधेयक 2024 पर डिप्टी सीएम श्री साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कई मौकों पर संविधान का उल्लंघन किया है। वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करना समय की मांग है। कांग्रेस पार्टी हर चीज में राजनीति करती है, उन्हें राष्ट्र हित की जरा भी चिंता नहीं है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। हमारे देश और प्रदेश में जो प्रकृति के बहुत नजदीक रहने वाले लोग हैं, आदिवासी समाज में आते हैं, विश्व आदिवासी दिवस की मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हुए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित हुई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। आदिवासी बाहुल्य गांवों की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम हो रहा है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। मैं विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज एक तरफ जहां देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, हम सब जानते हैं कि आज लोग अपनी राय रखेंगे और सरकार भी इस दिशा में सोच रही है, और इसलिए हमने एक समिति का गठन किया है कि वे इस बात पर न केवल लोगों की राय लें, कानूनी जो प्रावधान है, तीन कानून, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 और पंचायत राज अधिनियम 1993, ये तीन कानून हैं और दोनों तरह के निकायों के चुनाव के संचालन के लिए दोनों के अलग अलग नियम बने हुए हैं। उन सब पर विचार करके एक संभावना कैसे बन सकती है, लोगों के अभिमत क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है, सब बातों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है जो लोगों से सुझाव भी ले रही है और कानूनी प्रावधान का भी अवलोकन करके उस पर अपना रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने बार बार संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा है, आपातकाल लगाकर ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने संविधान का उल्लंघन किया है। यह जो वक्फ अधिनियम में संशोधन का विषय आया है, ये आज के समय की आवश्यकता है और जेपीसी को भेजा है सरकार ने, तो निश्चित रूप से उस पर मंथन होगा।
कांग्रेस पार्टी हर मामले में राजनीति करने का काम करती है, राष्ट्रहित देश हित से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। हर एक मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति, भ्रम पैदा करने की राजनीति, भय पैदा करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति जग जाहिर हो चुकी है। ये एक परिवार के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाली राजनीतिक दल है। देश के हित में देश के लिए काम करने वाली कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये तिरंगा यात्रा पहले भी भारतीय जनता पार्टी निकालते रही है। हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का आयोजन लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है और ये नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज देश में कांग्रेस पार्टी की प्रासंगिकता बची नहीं है। वास्तव में तिरंगा यात्रा देशभक्ति के लिए और झंडे के राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में ये यात्रा है। निश्चित रूप से पूरे देशभर में इसको लेकर अच्छा वातावरण। जैसे आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति का आधार भय और भ्रम पैदा करना, उसी राजनीति पर कांग्रेस चल रही है। विभाजन की विभीषिका हम सबके जेहन में है कि कैसे लोगों ने कष्ट झेले हैं, कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों के कत्लेआम हुए हैं, लोगों को कैसे अपने धन संपत्ति परिवार की रक्षा के लिए क्या क्या करना पड़ा है, ये हम सब ने देखा है। उस विभीषिका को याद करना, ये आज की पीढ़ी के लिए जानना ये आवश्यक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय किया। पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लगातार हम सब ने देखा कि कैसे झूठे मुकदमे, जनता की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए। उन मुकदमों की सरकार के लेवल पर समीक्षा हो रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इसके लिए मंत्री उप समिति बनी है, समिति विचार करके रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर सरकार निर्णय करेगी। देखिए, नगरीय निकायों के काम चुस्त दुरुस्त और सक्षम बने, इसके लिए अनेक नीतिगत निर्णय पे हमारी सरकार काम कर रही है, उसी का ये हिस्सा है।